Now, various physical parameters of atom of an atom, physical parameters of atom, जैसे कि पहला रेडियस ऑफ एटम। अब रेडियस ऑफ एटम कैसे देखा जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलते हैं बोहर रेडियस। यहां पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन से रेडियस ले सकता है, ठीक है। तो एक तरह से रेडियस ऑफ एटम का मतलब हुआ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसका मतलब ये होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम को तो इलेक्ट्रॉन के मोशन ही डिफाइन करता है कि कहाँ तक एटम है। अगर यहां तक ही इलेक्ट्रॉन मोशन करे तो यहां तक एटम है, यहां तक तो यहां तक भी एटम माना जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोज ऑर्बिट्स, और तीसरा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोज ऑर्बिट्स। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल्स में होगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में होगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई है, ठीक है। तो हम ये रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी तीनों निकालेंगे। ये एग्जाम में 100% आते हैं, 3 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस और वेलोसिटी कोई भी दो क्लब करके पूछ ले जाते, हमें केवल और केवल बोर पोस्टुलेट से चिपके रहना है, हमारा आंसर आता रहेगा। लेट्स स्टार्ट। बोर रेडियस, पहला पैरामीटर हम निकालने जा रहे हैं। जब भी आपको डेरिवेशन करना हो, एक बात मेरे हमेशा ध्यान रखना, बोर के पॉस्टुलेट के अलावा कुछ नहीं सोचना, अपने आप आंसर आता चला जाएगा। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या बोला, द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो mv²r इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, Ze, इलेक्ट्रॉन पे E अपॉन r². यहां से कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा mv² इज इक्वल्स टू kZe² बाय r। अभी r निकाल नहीं सकते, हमको वेलोसिटी नहीं पता है। सेकेंड पॉस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ओके, हमको पता है कि एल होता है एम इंटू वी इंटू आर, एम वी आर होता है। सो एन एच अपॉन टू, अगर नहीं पता तो मान लो अभी 11 में पढ़ा जाता है ये एन एच अपॉन टू पाई। सो नाउ वी हैव वी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर, ये आपकी वेलोसिटी आ गई, मतलब ये वेलोसिटी यहाँ रखी जा सकती है। इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें। कीपिंग वी फ्रॉम टू इन वन, वी गेट, नेक्स्ट पेज पे mv² इज इक्वल्स टू kZe² बाय r, यही था ना, ठीक है। एम, और ये था एन एच अपॉन टू पाई एम आर, इसका स्क्वायर कर दीजिए kZe² अपॉन r, एम इंटू n² h² फॉर π² m² r² इज इक्वल टू kZe² बाय, ये आर से आर कैंसिल, एक एम कैंसिल, आपका ये आर आ जाएगा n²
एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन, ये एक एम बच रहा है, एम के जेड इज इक्वल्स टू आर। मैं आपको रटवा देता हूँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, बहुत आता है ये, ठीक है, रेडियस निकालने को आ सकता है जो भी है। क्या बोलोगे? मजाक। देखो एम के जेड है, मैंने एम जेड के लिख दिया, मजाक अपॉन इन टू एन एच अपॉन 2 पाई ई का होल स्क्वायर, ऐसे रट सकते हैं आप। और छोटा कर दूं, और छोटा देखो, 1 अपॉन मजाक, एन एच अपॉन 2 पाई क्या था, एल, एल अपॉन ई का होल स्क्वायर, ये देखो। तो अगर आपको ऐसे याद रहेगा तो बाद में आप इसे पूरा खोल के सॉल्व कर सकते हैं। आइए इन कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं, पहले क्या निकल के आता है आंसर। हमारा रेडियस आया 1 अपॉन मजाक एन एच अपॉन 2 पाई ई का होल स्क्वायर, उसमें एच की वैल्यू रख दें 6.62 × 10⁻³⁴ पाई एस 3.14 ई 1.6 × 10⁻¹⁹ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁹ के इज 9 × 10⁻¹⁹, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला स्टैटिक कांस्टेंट, और जेड तो फिक्स है, तो हमने एन और जेड नहीं रख सकते, एन और जेड तो अलग अलग एटम्स के अलग अलग आता रहेगा। सो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा, एच स्क्वायर अपॉन एम के 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n² / z। ये जब आप वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 0.53 एग्जैक्टली 529 होता है, 53 लिख रहा हूँ एंगस्ट्रॉम, ये पूरा मतलब एंगस्ट्रॉम 10⁻¹० होगा, अब क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो फाइनली ये आंसर आएगा आपका। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, z इक्वल्स टू 1, देन r हो जाएगा 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। एक बात और सीख ली हमने, दैट रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में इस पे बेस्ड, ये बात याद रखिएगा। तो रेडियस तो हमने निकाल लिया, आपको फाइनली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ना कि बड़ा खोला हुआ, बड़ा ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए 5 3, ठीक है, इसको बोलते हैं बोर रेडियस।